बिल्लाही मिने शैतानी वजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बारे में उत्तर प्रदेश के से बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मेहनत के ज़रिए से पूरे उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का बोलबाला हो रहा है और मजलिस के चाहने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से पिछले गोधरा जो गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने वहां पर इलेक्शन लड़ा था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जहां से गोधरा शहर में भारतीय जनता पार्टी का वहां पर उन्होंने सुपड़ा साफ किया था, शायद आपको याद ज़रूर होगा। गोधरा शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने वहाँ पर किंग मेकर का रोल अदा करते हुए वहां के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ मिलकर उन्होंने वहां पर अपने जीत के परचम को लहराया था और वहां से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाते हुए गोधरा के मेयर सीट के ऊपर उन्होंने वहां पर कब्जा किया था। और क्योंकि मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में अगर मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई अगर एक प्लेटफॉर्म पर आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को उत्तर प्रदेश में कामयाब बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से गोधरा शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने किंग मेकर का रोल अदा करते हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया था और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, इंशाअल्लाह ताला वैसे ही उत्तर प्रदेश की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को अगर जिताएगी, अगर यहां से कामयाब करेगी तो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी किंग मेकर का रोल अदा करते हुए उत्तर प्रदेश में अपने नए इतिहास को लिखते हुए भारतीय जनता पार्टी को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएगी और उत्तर प्रदेश में अपने परचम को लहराएगी और आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए, आपकी आने वाली बका के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यहां पर काम करेगी। और जिस तरह से इस मर्तबा मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों की बराबरी की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं और उन्होंने ये अज़्म ये और ये इरादा किया है कि इस मर्तबा डेप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमानों का होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की बात इस मर्तबा उत्तर प्रदेश में पूरी होगी और मजलिस यहाँ पर अपने परचम को लहराएगी। आप सब मिलकर मजलिस का साथ दें। मजलिस से जुड़ी हुई खबरों को देखने, जानने, पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।